हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में यूपीएससी को पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ख़त्म किया, सो आइए आज हम अपनी कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं और समझते हैं कि यूपीएससी है क्या, उसके क्या फंक्शनिंग है और उसकी सारी जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आज हम जानते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है पैराडाइज इंस्टीट्यूट चैनल। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है और ये कोई भी बच्चा देख सकता है, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या फिर वो कोई किड हो जो स्कूल में पढ़ता हो। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है, लेकिन हम हमेशा पेपर में गलती करते हैं और जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो एक आधा मार्क्स और 0.25 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है। तो अपने सारे कंसेप्ट्स को आप क्लियर कर सकते हैं और आप प्लीज़ इस चैनल पे विज़िट कीजिए। आइए यूपीएससी का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स थे, ये हमारा इंडियन कंसेप्ट नहीं है, ये ब्रिटिशर्स कंसेप्ट है। जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर, तो उसके सारे जो कमर्शियल अफेयर्स थे, सारे जो कमर्शियल जो काम होते थे, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कितना प्रोडक्शन होना है, क्या प्राइस चार्ज होगा, क्या बनना है, क्या सारे जो भी काम होता था कंपनी का, वो कौन करता था? वो सिविल सर्वेंट करते थे। बट जैसे जैसे आपने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो पहले ट्रेड मोटिव था वो चेंज हुआ, उनका पॉलिटिकल मोटिव ज़्यादा बन गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को एक्वायर करने लगे। अब वो कैसे एक्वायर करने लगे, चाहे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के थ्रू किया हो या फिर और कोई तरीका अपनाया हो, तो उन टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर करने का एक नया काम आ गया। अब वो काम कौन करेगा? वो सिविल सर्वेंट करेंगे। सबसे पहले एक फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में 1800 में, लेकिन 1805 में ईस्ट इंडिया कॉलेज को भी बनाया गया, जिसको हेल्सबरी कॉलेज कहते हैं। ये इंग्लैंड में था और फोर्ट विलियम कॉलेज को हटा दिया गया। ये इंग्लैंड में तो था हेल्सबरी कॉलेज, और यहाँ पे 2 साल ट्रेनिंग कोर्स होता था सिविल सर्वेंट्स का। तो जो भी सारे सिविल सर्वेंट्स होते थे, पहले यहाँ ट्रेनिंग करते थे, फिर इंडिया में आते थे और उनको अलग अलग टेरिटरी में भेजा जाता था और वहाँ पे वो एज एन एडमिनिस्टर काम करते थे। एक लॉर्ड मकाले रिपोर्ट हुई थी जिसने मेरिट बेस्ड, इसको फिर से करते हैं, बेस्ड ऑन लॉर्ड मकॉले रिपोर्ट कंसेप्ट ऑफ अ मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विस इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1854। तो लॉर्ड मकॉले की जो एक रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पे मेरिट सिस्टम शुरू कर दिया गया सिविल सर्विसेज का। मेरिट सिस्टम मतलब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में कोई जितना स्कोर करेगा उसके बेसिस पे उसकी लिस्ट बनेगी, जो टॉप स्कोरर होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम शुरू कर दिया गया था। चार्टर एक्ट आया था 1853 के अंदर, जिसके अंदर ओपन कंपटीशन के कंसेप्ट को बोला गया था। पहले ये लिमिटेड था, पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इस एग्ज़ाम को दे सकते थे, लेकिन इसको ओपन कंपटीशन बनाया किसमें? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। अ सिविल सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1854 इन लंडन एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वर स्टार्टेड इन 1855। जो श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, वो थे ब्रदर ऑफ श्री रविंद्रनाथ टैगोर और द फर्स्ट इंडियन सक्सीड इन 1864। तो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट कौन बने? जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। पर आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो आप देखेंगे उसके अंदर जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, ये जो सिविल सर्विसेज था, ये ओपन तो सबके लिए कर दिया गया, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में था और ये सिर्फ इंग्लैंड में होता था। तो आप खुद सोचिए कि कितने कम लोग इस एग्ज़ाम को दे पाते होंगे, कितने कम लोग अफोर्ड कर पाते होंगे लंदन जाके पेपर देने का और पास करने का। तो ये कितना टफेस्ट एग्ज़ाम उस टाइम पर हुआ करता था। तो कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है कॉमन पीपल के लिए अप्रोच करना। एक From 1922 onward, Indian Civil Service Examination began to be held in India also. तो 1922 से इंडिया में भी होने लगा एग्ज़ाम। पहले अलाहाबाद में हुआ एंड लेटर इन दिल्ली। एटकिंसन कमीशन वॉज सेटअप इन 1887 फॉर रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। तो रिफॉर्म्स लाने के लिए ये कमीशन को बनाया गया, ये 1887 में बनाया गया था। इससे पहले एक हमारे वॉइस रहे थे जिनका नाम था लिटन,
उन्होंने एज को जो रिड्यूस कर दिया था 23 साल से 19 साल के लिए। अब एक बात बताइए कि किसी पर्सन के लिए सिर्फ 19 साल ही रिस्ट्रिक्टेड हो, 19 ईयर्स ही रिस्ट्रिक्टेड हो कि उसको ये एग्ज़ाम पार करना है, क्लियर करना है, तो उस टाइम पे हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही पुअर था। और उस टाइम पे आप इंग्लिश में पढ़ के और वहाँ जाके एग्ज़ाम दीजिए, और वो भी 19 साल तक ही, तो आप देख रहे हैं कि कितना स्ट्रिक्ट था। लेकिन जो ये कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, उसने क्या करा, फिर से एज को इंक्रीज़ किया गया और 23 एज बना दी गई, मतलब 23 एज तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर उसके बाद ली कमीशन 1924 में इस्टेब्लिश हुई, एंड कमीशन रिकमेंडेड दैट द स्टैट्यूटरी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उन्होंने बोला कि हमें एक स्टैट्यूटरी पब्लिक सर्विस कमीशन, एक बॉडी है जो कि हमें इंडिया में बनानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, एंड विद इट्स कमिंग इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 1937, पब्लिक सर्विस कमीशन बिकेम द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो जो ब्रिटिशर्स का कंसेप्ट था इंडिया में आया, इंडिया के लोगों ने उसको पार भी किया। बहुत सारे लोग थे, अब जैसे हमने सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात किया, ऐसे हमारे बहुत सारे थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को क्लियर किया। तो धीरे धीरे करके इसका नेचर भी चेंज होने लगा। 1935 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया गया और उसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। विद द इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन January 26, 1950, जो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसका अल्टीमेटली नाम UPSC बना दिया गया, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। पहले तो UPSC हमारा पार्ट 14 में मेंशन है। अब जैसे मैंने कहा था पहले भी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इजी बनाने के लिए वो डिफरेंट पार्ट्स में बना दिया गया। अब जब पार्ट्स में बांटा गया है तो पार्ट 14 में UPSC को लिखा गया है। आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 रिलेट करते हैं टू UPSC फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट्स। अबाउट UPSC, कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 10 मेंबर। तो इसमें एक चेयरमैन होगा और 10 मेंबर्स होंगे। ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी हम प्रेजेंटली बात करें तो कौन है हमारे UPSC का चेयरमैन, उनका नाम है अरविंद सिन्हा। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC हैव नॉट बीन ऑथराइज टू टेक एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर देयर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज। तो जब वो सर्विसेज से रिटायर हो जाएंगे तो उनको अलाउड नहीं है कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कहीं किसी प्रॉफिट का जो उनका इंटरेस्ट हो वो किसी ऐसी जगह काम कर सके जहां उनको प्रॉफिट का अर्निंग हो अंडर सेंट्रल और एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली उनका रिटायरमेंट के बाद उनको नेक्स्ट काम करने की अनुमति नहीं है। बट ओनली मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ UPSC और चेयरमैन ऑफ एनी स्टेट PSC। तो इसका मतलब है जो चेयरमैन है वो तो फिर से अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनके पास ये तो एक हक है ना कि वो चेयरमैन के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, चेयरमैन के लिए लड़ सकते हैं, क्या पता वो चेयरमैन बन जाए, तो वो अलाउड है। एवरी मेंबर कैन होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर और टिल द टाइम ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो हमने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था उसमें भी 6 और 65 था, इसमें भी 6 और 65 ही है। अ मेंबर कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन एट एनी टाइम टू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपॉइंट भी प्रेजिडेंट करता है, रेजिग्नेशन भी प्रेजिडेंट ही देगा। प्रेजिडेंट कैन एलिमिनेट हिम ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर ऑन बेस्ड ऑफ रेफरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हमें UPSC के मेंबर्स को, ये जो पूरी बॉडी है 1+10 की जो बॉडी है, अगर इसमें से किसी को निकालना है तो प्रेजिडेंट ही निकाल सकता है, प्रेजिडेंट ही रिमूव कर सकता है। ग्राउंड क्या होगा, मिसबिहेवियर होगा कि भाई उन्होंने मिसबिहेवियर किया है, दुर्व्यवहार किया है, और इसके लिए अल्टीमेटली किस सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल देगा, सुप्रीम कोर्ट पूरी जाँच करेगा और ये कहेगा कि हाँ इस बेसिस पे या ये चीज़ प्रूव होती है, तब प्रेसिडेंट इसको निकाल सकता है। UPSC सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्क टू द प्रेसिडेंट एनुअली। हर साल एक अपनी पूरी रिपोर्ट बनाता है और प्रेसिडेंट को सबमिट करता है।
फिर प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है कि वो टेबल करे इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन, फिर डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में। अब फंक्शंस के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ यूनियन लाइक सिविल सर्विसेज, जो बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है, NDA, CDA, सारे एग्ज़ाम बहुत ही फेमस है, आपने सुने भी होंगे। तो ये सारे कौन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है? UPSC कंडक्ट कराता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज़, फिर इंटरव्यूज़ के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करता है इंटरव्यू लेके। आपने लेटरल एंट्री का कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसमें भी वो डायरेक्ट इंटरव्यूज़ कराता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन, डेप्यूटेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स करता है जब उनकी प्रमोशन होती है, डेप्यूटेशन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है। फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, तो कई सारे जो रूल्स हैं या फिर अमेंडमेंट करता है टू रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट। डिसिप्लिनरी केसेस रिलेटिंग टू डिफरेंट सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिविल सर्विसेज हैं उसके डिसिप्लिनरी केसेस भी बनाता है। एडवाइसिंग द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रेफर टू द कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पूछा होगा, कोई भी टॉपिक पूछेगा तो UPSC एडवाइस कर सकता है, ऑल दो जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ चेयरमैन और अ मेंबर थ्रू दो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी वैरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। इसका मतलब है कि UPSC के जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, उसको जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और एक बार अपॉइंट होने के बाद उनकी जो भी पोजीशन है उसको आप डिसएडवांटेज नहीं किया जा सकता, जैसे कि सैलरी है, अलाउंसेस है और उनकी जो पोजीशंस है, तो आप उसको कम नहीं कर सकते लेकिन बढ़ सकती है। एक्सपेंडिचर, द एंटायर एक्सपेंस इंक्लूडिंग द सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। तो इनका जो भी सैलरी अलाउंसेस कटता है वो कहाँ से कटता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कटता है, और अगर कोई एक्सपेंस वहाँ से कटता है इसका मतलब कि वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है लेकिन वोट नहीं हो सकता। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और मैंने आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में बताइए कि आपको किस इस टॉपिक से क्या कुछ रिलेटेड डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ।